जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। नहाने के तुरंत बाद ना करें ये काम, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। हमेशा से माना जाता है कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है और कई स्वास्थ्य संबंधी नियम बनाए गए हैं। अच्छे खान पान, रहन सहन, अच्छी आदतों का सीधा प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है। काफी बीमारियां तो केवल नहाने से ही दूर हो जाती है। आपने चाणक्य का नाम तो जरूर सुना होगा। चाणक्य कहते हैं कि जब भी शरीर पर तेल की मालिश की जाए, शमशान से आने के बाद, हजामत बनाने के बाद और स्त्री प्रसंग के बाद स्नान करना जरूरी माना गया है। ये तो हो गई स्नान करने की नियम, लेकिन स्नान करने के बाद जो हम मिस्टेक्स करते हैं उसका क्या? काफी लोग आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप खुद भी सोचेंगे कि हम नहाने के बाद कितनी सारी मिस्टेक्स करते हैं जाने अनजाने, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो आइए आज मैं आपको बता दूं कि आपको नहाने के बाद कौन सी 10 सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए, जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। नहाने के बाद सबसे पहले ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है कि हम बाल्टी को वहीं के वहीं छोड़ देते हैं, उसमें या तो आधा पानी भर के छोड़ देते हैं या उसे खाली करके पलट देते हैं। ये दोनों ही काम गलत है। पहली बात तो ये है कि उसमें कभी भी आधा पानी भर कर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसी में अगर भर के दूसरा व्यक्ति स्नान करे तो ऐसा माना जाता है कि आयु घटती है। तो अपना पानी जितना जरूरी हो उतना ही नहाएं, उतना ही लें, और बेस्ट तो होता है कि हमारी धरती के पानी को बचाने के लिए हम शावर से नहाएं। पर अगर घर पे शावर नहीं है तो बाल्टी का पानी यूज करें और बाल्टी में ही उतना ही पानी लें जितने की आपकी जरूरत हो, और बाल्टी को खाली करके रखें, पलट कर ना रखें। ऐसा माना जाता है कि उससे धन हानि होती है। नहाने के बाद अक्सर हम अपने गीले कपड़े वॉशरूम में छोड़ देते हैं। ध्यान रखें, ये बहुत ही गलत है। स्पेशली रात में भीगे हुए कपड़े वॉशरूम में नहीं छोड़ने चाहिए। नहाने के बाद हमेशा अपने कपड़ों को जो भी धोने का स्थान है वहाँ ले जाकर रखें, या आपने कोई वॉशिंग बैग बनाया हुआ है तो उसमें डाल दें। वॉशरूम में या बाथरूम में बिल्कुल ना छोड़ें। ये बहुत ही हानिकारक होता है, और जिनकी राहु की दिशा होती है विशेषकर उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। पहली बात तो ये कि बाथरूम में नहाते वक्त आप चप्पल ना पहने, और अगर आपने चप्पल पहना है तो नहाने के बाद दोबारा पाँव पे पानी ना डालें। हम क्या करते हैं, चप्पल पहन के नहाते हैं, अपने स्लीपर्स पहन के, और स्लीपर्स को फिर पैरों में पानी डालते हैं। इससे धन हानि होती है, कुछ चिपक जाता है पैरों में या कुछ हो गया है ये अलग बात है, आप धो लें, पर इसके अलावा आपको पैर नहीं धोने चाहिए नहाने के बाद दोबारा। आपने अक्सर सुना होगा कि नहाते वक्त लोग गाना गाते हैं या भजन गुनगुनाते हैं या कुछ भी। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कभी भी मौन होकर चुप होकर नहीं नहाना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हुए मन मन में भजन करें, सॉन्ग गाएं या कुछ मंत्र जाप करते हुए आप स्नान करें। कोई भी श्रृंगार ना करें, स्पेशली गर्ल्स, और जो भी सिंदूर लगाती है माताएं बहने, वो कभी भी नहाने के तुरंत बाद जस्ट सिंदूर ना लगाएं। इससे माना जाता है उम्र घटती है पति की, क्योंकि जब हम नहाते हैं तब हम कुछ खाए नहीं होते हैं। अगर आपने खाया हुआ है तो ठीक है, बाकी अगर आपने नहीं खाया है तो प्लीज सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खाली मुंह पे सिंदूर लगाने से नहाने के तुरंत बाद हमारे पति की आयु घटती है। बाथरूम में ध्यान रखें, विशेषकर कई लोग अपने वॉशरूम में नेल कटर आदि रखते हैं। बाथरूम में नहाने के बाद नेल कभी न काटें, ये बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इससे धनहानि के योग बनते हैं। नहाने के बाद अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि जैसे बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं या हस्बैंड को स्कूल जाना होता है तो भाग कर गीले टॉवल सर पे रखते हैं और गीले कपड़ों में वॉशरूम से निकलकर सीधा किचन में भागते हैं। ऐसी मिस्टेक्स ना करें गीले शरीर से, या नहाने के तुरंत बाद चूल्हा ना छुएं। जो लोग गांव में रहते हैं वो तो मानते ही हैं, शहरों में रहने वाले यूजुअली इस बात को भूल चुके हैं। तो शास्त्रों के अनुसार गीले शरीर से या गीले बालों से तुरंत चूल्हा ना छुएं। अगर आपको जरूरत हो, बहुत ज्यादा अर्जेंट भी है, तो थोड़ा सा कुछ मुंह में एक ड्राई फ्रूट ले लें, या कुछ अगर आप पूजा किए बिना नहीं खाते हैं तो ड्राई फ्रूट, आप थोड़ा दूध या चाय ले करके भी चूल्हा छुएं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो आपको नहाने के तुरंत बाद नहीं करना है, वो है श्रृंगार करना। अभी आपको बहुत बुरा लगने वाला है क्योंकि नहाने के तुरंत बाद ही हम श्रृंगार करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये ध्यान रखें कि लिखा गया है कि नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार नहीं करना चाहिए। यानी जो भी आप पहनते हैं, जैसे आलता, महावार, बिछुआ या जो भी आप पहनते हैं श्रृंगार की वस्तु, उसे तुरंत नहीं करना चाहिए। पहले कुछ खा लें, पूजा करके उसके बाद आप श्रृंगार करें। जैसा मैंने आपको बताया, सिंदूर भी
भी नहीं पहनना चाहिए नहाने के बाद तुरंत। हमारे देश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदत है, बहुत ही बड़ी चीज थी पहले जमाने में, अब तो इतनी नहीं है कि गंगा नदी पे या तट पे जब हम स्नान करते हैं तो हम गीले कपड़ों में भगवान का पूजन करते हैं। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है कि गीले शरीर से भगवान का पूजन नहीं किया जाता है, कभी भी ये गलती ना करे। नदी तालाबों की बात और होती है, वहाँ पर सारी स्त्रियाँ एक साथ खड़े होकर के नदी में गीले शरीर पे नहाते हैं, जल तर्पण करते हैं, पितरों को जल देते हैं, सूर्य को जल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन रेगुलर में गीले शरीर में आपको भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। एक और आदत जो हमारे देश में देखी जाती थी पहले जमाने में कि औरतें ग्रुप में एक साथ नहाती थी, ये भी नहीं करना चाहिए। नदी तालाब बावड़ियों की बात अलग है, बाकी जो लोग अपने घर के वॉशरूम में नहाते हैं, बाथरूम में नहाते हैं, वहाँ दो स्त्रियों का एक साथ नहाना वर्जित होता है। ध्यान रखें कि इन कामों को आपको नहीं करने हैं। एक बात और बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, नहाते वक्त ध्यान रखने योग्य है ये बात कि दक्षिण मुखी होकर के कभी भी नहाना नहीं चाहिए। पितरों की दिशा होती है दक्षिण और माना जाता है कि इस तरफ मुख करके नहाने से, दक्षिण यानी साउथ की तरफ मुख करके नहाने से धन हानि की योग बनते हैं। हमारे देश में अक्सर हम ऐसा करते हैं, दिन भर हम ऑफिस से थक कर आकर रात में नहाते हैं, कीटाणु इससे कहते हैं मर जाते हैं, दिन भर के जो भी कीटाणु हमारे शरीर में होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि रात के वक्त नहीं नहाना चाहिए। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप रात में मत नहाइए, बल्कि एक बार जरूर ध्यान रखें कि जब दोनों शाम हो रही हो, शाम के वक्त इंसान को नहीं नहाना चाहिए, इससे धन हानि के योग बन जाते हैं। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है नहीं नहाने के बाद आपको क्या क्या नहीं करना है। ध्यान रखें इन मिस्टेक्स को ना करें। छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर हम अपने जीवन में ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से हमें धन हानि का सामना करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार ये नियम माने जाते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो रही है उसे आप रोकें, जाने अनजाने जो हम गलतियां छोटी छोटी करते हैं इन्हें हम रोकें, तो ये उपाय आपको अपना लेने चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।